Morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed important topic related to journal, that is discount. You know, there are basically two types of discount: trade discount and cash discount. Trade discount is a discount which is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on a printed price list. It is allowed when goods are purchased in bulk, that is large quantity. And this discount is allowed both on credit as well as cash transaction, since it is related to the purchase and not to the payment. And the important part of this discount is that no separate entry is passed for the trade discount, as it is deducted from the cash memo or invoice of the goods. Yani trade discount ko hum books of account mein record nahi karte hain, journal mein record nahi karte, lekin ha, अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू जो होती है वो डिडक्ट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड वी डिस्कस द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स पीरियड। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। सो दिस डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट। And as the discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded along with the entry for payment. So you know very well, cash discount हम तब provide करते हैं अपने customer को जब वो within a period में या period के पहले ही क्या कर देते हैं, cash का payment कर देते हैं। और generally ये discount customer को motivate करता है ताकि वो regularly, timely cash का payment करते रहें। और कैश डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश डिस्काउंट अलाउ होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैश डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे वी विल डिस्कस द रिलेटेड पॉइंट रिलेटेड टू द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दैट इज एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। So advantage of trade discount for the retailer, it reduces the cost of purchase and thus increase the margin of profit. Retailer को ये फ़ायदा होता है कि इससे cost of की purchase जो होती है वो घट जाती है और profit का margin जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। यानी trade discount की help से retailer को पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा, it enables the retailer to make some profit even he sells the goods at their catalog price. Generally you know, आपको पता है कि trade discount में होता क्या है कि wholesaler अपने retailers को कैटलॉग प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड ना करके कैटलॉग प्राइस से कम की वैल्यू पे प्रोवाइड करता है। जैसे 100 रुपये का MRP प्राइस है प्रोडक्ट का, उसे वो 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ में अपने रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है उसको 100 रुपीज़ पे ही सेल करता है कस्टमर, तो 10 रुपये उसको एज अ प्रॉफिट मिलता है। रही बात टू द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होता है ट्रेड डिस्काउंट देने से, तो इट इंक्रीज द सेल्स बाय इनकरेज द रिटेलर टू मेक बल्क परचेज बाय ऑफरिंग हायर रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर ऑर्डर और लार्ज क्वान्टिटीज। मैनुफैक्चर को सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इससे रिटेलर जो होते हैं इनकरेज होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में गुड्स को ख़रीदते हैं, और जिससे मैनुफैक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है। अ चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मे प्रूव टू बी इफेक्टिव वेपन टू फेस कॉम्पिटिशन। मार्केट में कई कॉम्पिटिशन है, कई तरह की कंपनीज हैं, और एक प्रोडक्ट को कई तरह की कंपनीज के थ्रू इंडोर्स किया जाता है। अगर हम अपने ग्रॉसरीज के प्रोडक्ट्स देखें, अगर हम अपने क्लॉथ के प्रोडक्ट देखें, तो एक ही तरह के प्रोडक्ट जो है वो कई तरह की कंपनी इंडोर्स कर रही है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है कि वो अपने रिटेलर्स को सस्ते दाम पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं ताकि वो मार्केट में उस गुड्स को सोल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी का प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट वाई कंपनी भी सेल करती है, तो रिटेलर उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेगा मार्केट में जिस पे उसको फ़ायदा ज़्यादा हो। सो एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट की हेल्प से होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एक तरह से वो कंपटीशन को भी फेस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के लिए इनिशिएट करते हैं। द थर्ड पॉइंट, डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चेंज चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनली कस्टमर सिंपली बाई अल्टरिंग द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के में चेंजेस भी किया जाता है होलसेलर मैन्युफैक्चर के थ्रू, ताकि कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज कर सकें, यानी रिटेलर जो है अपने कस्टमर से डिफरेंट रेट्स चार्ज कर सकता है।
Change in rate of trade discount is an easy method to make change in prices without reprinting of catalog. ये भी बहुत important है कि catalog पे MRP print होता है, लेकिन हम wholesaler और manufacturer अपने retailers को actual price पे goods को provide करते हैं, यानी catalog price पे provide नहीं करते, उससे कम price पे provide करते हैं, तो बार बार reprinting की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर 100 रुपये का product है, MRP उस पर 100 rupees है, तो हम अपने wholesaler को या retailers को वही product 80 rupees में provide करते हैं और wholesaler 20 रुपीज़ से उसको अट्रैक्ट करता है, बाद में रिटेलर जो है उसी को कस्टमर को 20 रुपीज़ प्रॉफिट तक सेल कर सकता है, 20 रुपीज़ प्रॉफिट तक सेल्स कर सकता है, ये डिपेंड करता है रिटेलर के ऊपर। द नेक्स्ट पार्ट इज़ एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो सेलर के लिए क्या फ़ायदा है, अगर सेलर सेल कर रहा है अपनी गुड्स को तो कैश डिस्काउंट वो क्यों देता है। पहला फ़ायदा, सेलर रिसीव द अमाउंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम बिकॉज कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। सबसे पहले टाइम है, टाइम ही मनी होता है, अगर टाइम पे पैसा ना मिले तो पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत है और आज के 2 महीने बाद आपको 1 लाख रुपये मिले, तो आप उसकी यूटिलिटी मेज़र करोगे तो आज का 1 लाख रुपये और उस दिन का 1 लाख रुपये में काफ़ी अंतर होगा। सो टाइम पे पैसा मिल जाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वो आपके बिजनेस को ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। सो सेलर के लिए सबसे पहला पार्ट होता है कि उसका पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है, जो उसने एज अ क्रेडिट सेल किया है, तो अपने क्रेडिट डेटर्स को वो इनिशिएट करता है, मोटिवेट करता है, भाई टाइम से पेमेंट कर दो। पहला फ़ायदा सेलर को ये होता है। दूसरा, कैश रिसीव इन द इन टाइम इम्प्रूव द कैश इनफ्लोज ऑफ द बिजनेस एंड कैश में बी पुट द बेटर यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। द थर्ड पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स इन मिनिमाइज्ड। कैश डिस्काउंट की हेल्प से जो मार्केट में पैसा फंसा है, जो बैड हो सकता है, डूब सकता है, वो भी मिनिमाइज्ड हो जाता है। द फोर्थ पॉइंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लर्किल वर्क ऑफ मेंटेनिंग ऑफ डेटर्स अकाउंट एंड ऑफ स्पेंडिंग फ्रिक्वेंट रिमाइंडर टू डेटर्स, यानी बार बार उनको रिमाइंड करो डेटर्स को कि भैया आपको पैसा देना है, और डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करो कि किससे कितना रुपए लेना है, ये सब का झंझट खत्म हो जाता है। जनरली अगर हमने 1 महीने की टाइम दिया हुआ है डेटर्स को कि आपको पेमेंट करना है हमको, तो 1 महीने के अंदर वो पैसा मिल जाता है तो ठीक रहता है, जहाँ वो 1 महीने से ज़्यादा टाइम जाता है तो हमें डाउट होने लगता है कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसके लिए एफ़र्ट्स करने लगते हैं, उनको रिमाइंड करते लगते हैं, तो हमारा आधा ध्यान वर्क पे रहता है और आधा ध्यान इस चीज़ पे भी लगा रहता है कि हमें उनसे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेलर जो होता है कैश डिस्काउंट को कैश रियलाइजेशन के वेपन की तरह यूज़ करता है। वहीं बायर के लिए बात करें, टू द बायर, तो द अर्लियर द बायर पेज द हायर रेट ही अर्न्स इन कैश डिस्काउंट। बायर के लिए फ़ायदा ये होता है, वो इससे देखता है कैश डिस्काउंट मिलता है, यानी जहाँ उसे 100 रुपये देना था विद इन अ फिक्स पीरियड, वहाँ उसे 95 देना है, 90 रुपीज़ देना है, तो वो अट्रैक्ट होता है कि चले यार 10 रुपये बचेगा मेरा। सो वो इस के कारण, इस फायदे के कारण वो टाइमली पेमेंट करता है। दूसरा, अ बायर हु अर्न्स हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स टू द हिज कस्टमर एट लोअर रेट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी रिटेलर्स को कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के इलस्ट्रेशंस में हमने स्टडी किया था एग्जांपल्स में, कि एक बंदे को कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट के मिलने से उसकी जो वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, वो और कम हो जाती है, तो उस रिटेलर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि उस प्रोडक्ट को वो और सस्ते दामों पे बेच सकता है और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सस्ते दामों पे बेच सकता है, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यू नो वेरी वेल कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो दो चीज़ें उसके हाथ में आएगी, पहली कि वो प्राइस कम प्राइस पे गुड्स को सेल करके डिमांड इंक्रीज़ कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा सेल कर सकता है, दूसरा कि वो उस पे जब उसको कैश डिस्काउंट मिलता है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड डिस्काउंट, तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर वो उसको MRP पे सेल करे। वहीं अर्ली पेमेंट इन्हेंसेज द रेपुटेशन ऑफ गुडविल ऑफ द बायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर बायर, जैसे हम लोग रिटेलर कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को टाइमली पेमेंट कर रहा है, विद इन अ टाइम पीरियड पे कर रहा है, तो उसका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है, एडवर्स सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे उस रिटेलर को टाइमली क्रेडिट पे गुड्स भी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाता है। सो ये फ़ायदे थे बायर सेलर के लिए कैश डिस्काउंट का और होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर के लिए ट्रेड डिस्काउंट का। Now we will move to the another practical problem related to the trade discount and cash discount. पहले हम लोग उस पर मूव करते हैं। uh,
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द जर्नल ऑफ गौरव, गौरव की जर्नल में आपको जर्नलट्री पास करनी है, द 2005 मई 10 सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट फॉर 15%। यानी कैलाश ने पहले गुड्स सोल्ड किया 1 लाख रुपये का ट्रेड डिस्काउंट 15% पे। दूसरा ट्रांजेक्शन है मई 13, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000। कैलाश ने 4000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया। एंड थर्ड मई 18, रिसीव फ्रॉम कैलाश फ्रॉम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 15%। और कैलाश को मई 18 को ही सारा पैसा मिल गया कैलाश से गौरव को, और उस खुश होकर उसने 5% उसको कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया। यानी इसमें 3 ट्रांजेक्शन है। तो यू नो वेरी वेल, इसमें पहले उसने गुड्स सोल्ड किया 1 लाख रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 15%। तो यू नो वेरी वेल, जब हम सेल करेंगे कैलाश को तो कैलाश जो हैं वो रिसीवर होंगे, एंड वॉट विच अकाउंट इज क्रेडिट डेट सेल्स। सो इन द सॉल्यूशन यू कैन सी द एंट्री विल बी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये क्लियर है पहले। अब रही बात अमाउंट की, यू नो वेरी वेल ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बट एम जो डिस्काउंट की वैल्यू है उसको हम लोग लिस्ट प्राइस से माइनस कर देते। सो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 15% आएगा आपका 15,000, यानी कि कितनी प्राइस रिकॉर्ड होगी 85,000। सो देखिए आप सॉल्यूशन में देख रहे होंगे कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स दैट इज 85,000, एंड द नरेशन इज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो रिडक्शन इन प्राइस है वो क्यों हुई है ये क्लियरली रहेगी आपके क्वेश्चंस के लिए। द सेकेंड ट्रांजेक्शन कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4000। कैलाश ने 4000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए, आप दुकान पे गए, 10 रुपये का सामान खरीदा और कस्टमर ने आपसे 9 रुपये लिए। एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिएगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपये। आपको जनरली 10 रुपये का सामान नहीं मिलता, अगर MRP है तो जो जिस जगह से आप सामान खरीदते हैं वो आपको कुछ कम प्राइस पे दिया, तो ठीक है वो खुश था तो आपको 9 रुपये में दे दिया, आप 9 रुपये भी लेते आए। मम्मी आपको डांटने लगी, ये क्या सामान लेके आ गए हो, ये सामान नहीं लाना था, दूसरा लेके आना था। यानी सपोज़ आपने कोई भी 10 रुपये का सामान पर्टिकुलर उस मम्मी ने मंगाया, आपको 9 रुपये में मिला, मम्मी ने कहा इस ब्रांड का नहीं चाहिए या इस कंपनी का नहीं चाहिए, दूसरी कंपनी का चाहिए, जाओ दुकान पर लौटा के उस कंपनी का लेकर आओ। तो जब आप उस दुकान पर गए लौटाने के लिए, तो अब आप खुद सोचिए कि वो आपको कितने रुपये वापस करेगा, 10 रुपये या 9 रुपये? 9 रुपये ना, आपने खरीदा कितने में, 10 की चीज़ 9 में, तो जब उसी प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाओगे तो 10 रुपये थोड़ी ना देगा वो, 9 रुपये देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब कैलाश ने 4000 का गुड्स रिटर्न किया, उसका लिस्ट प्राइस 4000 था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस भी तो होगा। हाँ सर होगा, यानी 4000 में से भी रिटर्न के टाइम 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। यानी जब सेल किया था तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। वैसे ही एज इट इज़ परचेज में भी होगा कि जब परचेस कर रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है, तो रिटर्न के समय परचेज रिटर्न के समय भी ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस होगा। तो 4000 का 15% डेट इज 600, सो उसकी वैल्यू कितनी रिकॉर्ड होगी 3400। बट यहाँ यह ध्यान रखिएगा लिस्ट प्राइस है कि नहीं है। सो द सेकेंड एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। यू नो सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है अपोजिट, और कैलाश डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या है 3400। अब आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हमें कितना रुपए कैलाश से लेना है। कैलाश को बेचा 85,000 रुपीज़ का, सर बहुत इजी है, और उसने रिटर्न कर दिया 3500 का, यानी उससे लेना है हमको 81,600 रुपीज़ लेना है। अब 81,600 रुपीज़ लेना है, क्वेश्चन में क्या करा है, रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जितना पैसा उससे बाकी था लेकिन दे रहा है, तो 5% डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं कि चलो यार तुमने टाइमली पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है, तो मैंने उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो आप खुद ही सॉल्यूशन में देखिए, 85,000 रुपीज़ का मैंने उसको सेल किया, रिटर्न हुआ 3,400 का, अब उसको 81,600 देना था, लेकिन मैंने खुश होकर उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया, यानी 4080, और ये हो गया 77520। यानी हमारे पास कैश कितना आएगा सर, 77520। यू नो वेरी वेल, पैसा आता है तो कैश डेबिट होता है। अब आप कुछ सोचो, सेल्स के समय डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसीव होगा? सर सेल्स के टाइम में, एट द टाइम ऑफ सेल्स हमें
डिस्काउंट अलाउड होगा, क्योंकि सेल के टाइम हम डिस्काउंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, तो डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट होगा, यानी ये जो डिस्काउंट है 4080 इसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री विल बी सेम बिकम सिंपल। तो एंट्री आप देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैलाश, क्योंकि हु इज़ अ गिवर, कैलाश। कैलाश को देना कितना था, 81,600, देखो दिख रहा है नीचे सॉल्यूशन में, उससे लेना था 81,600। कैश उसने कितना दिया, 77,520, क्योंकि उसमें से हमने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड हुआ बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेल्स डिस्काउंट अलाउड होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। एंड यू नो वेरी वेल, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और वही फॉर्मेलिटीज जो हम लोग जनरल में करते हैं, अगर पेज भर जाता है तो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाके उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, और जब पोर्शन ख़त्म होता है जनरल का तो हम लोग उसका ग्रैंड टोटल कर देते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और नरेशन आपको क्लियर है यहाँ पे, नरेशन कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, सो सॉल्यूशन क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले एक्चुअल अमाउंट सेल्स की, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस किया, यानी कितना पैसा उससे बाकी हुआ, 81,600, फिर उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस किया 5%, यानी अल्टीमेटली उससे पैसा कितना मिला, 77,520, और डिस्काउंट कितना है, 4080। सो डिस्काउंट इज अलाउड, सो डेबिटेड, इतना पैसा मिलना चाहिए था क्रेडिट, इतना पैसा मिला, 77,500 मिला, तो उसको भी, यानी ये पैसा डेबिट किया मिला, ये पैसा इसलिए डेबिट किया क्योंकि लॉस हो गया, और इतना पैसा हमें मिलना चाहिए था कैलाश से, तो उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, सो टोटली दिस सिचुएशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, योर कॉमन सेंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जर्नल, डेट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश भी की थी, एक बार फिर से हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात करते हैं। देखिए, कंपाउंड जर्नल एंट्री और कंबाइंड जर्नल एंट्री आर दोज एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। अगर किसी ट्रांजेक्शन से दो से अधिक अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं तो उस सिचुएशन में वो कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके, यू नो वेरी वेल कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। ओके, बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे दो से अधिक ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट होता है, सो सिचुएशन में हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसे हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, सम टाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, इन सच केस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री इज पास, सच अ जर्नल एंट्री इज टर्म्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, 30 जून ₹5,000 पेड फॉर सैलरी, 2,000 फॉर द रेंट। देखिए, इसमें डेट भी सेम है और पे भी हम लोग सेम कर रहे हैं, यानी एक्टिविटी भी सेम है, यानी 30 जून डेट भी सेम है, हम सैलरी भी पे कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं, दोनों से कैश जा रहा है, यानी ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम है। सो इस सिचुएशन में अगर आप अलग अलग एंट्री पास करते तो क्या करते? सर, मैं एंट्री पास करता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री 5,000 फर्स्ट एंट्री, एंड सेकेंड एंट्री दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। तो यू नो कि दोनों की डेट भी सेम है, बट इसमें कॉमन क्या है? सर, फर्स्ट एंट्री में भी कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है और सेकेंड एंट्री में भी कैश भी क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। सो क्या इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं? हाँ सर, मर्ज कर सकते हैं, आप लोग मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज कर सकते हो? सैलरी डेबिट 5,000, रेंट डेबिट 2,000, टू कैश 7,000। मर्ज होने के लिए दो कंडीशन अपने दिमाग में जरूर रख लीजिए, पहला डेट सेम होना चाहिए, इसमें डेट सेम है, दोनों 30 जून को हुआ है, दूसरा दोनों ट्रांजेक्शन, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, उसमें से कम एक अकाउंट का जो नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जैसे इसमें पहले ट्रांजेक्शन में कैश सेम है और दूसरे ट्रांजेक्शन में भी कैश जो है वो दोनों सेम। सो इन दिस सिचुएशन यू विल पास द कंपाउंड एंट्री एज अ सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, सो
Basically, we can say such entries can be passed in either of the following three ways. अब आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हम कंपाउंड एंट्री कैसे पास करते हैं. By debiting one account and crediting two or more accounts. यानी एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दो अकाउंट या दो से अधिक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. दूसरा, by crediting one account and debiting two or more account. जैसे आप सामने देख रहे हैं कि आपने क्रेडिटिंग एक अकाउंट किया है लेकिन डेबिट दो या दो से अधिक अकाउंट कर लिया, तो उसको भी हम कंपाउंड एंट्री करेंगे. बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट. ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलता है कि डेबिट भी दो या दो से अधिक होते हैं और क्रेडिट भी दो या दो से अधिक होते हैं, उसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. यानी बेसिकली दो बातें, पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री के लिए दो बातें, दो शर्तें अपने दिमाग में रख लीजिए. कब आप कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इन विच सिचुएशन यू पास जर्नल एंट्री एज अ कंपाउंड और कंबाइंड जर्नल एंट्री. द फर्स्ट वन, द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी सेम. सेकेंड, एट लीस्ट वन अकाउंट शुड बी सेम इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. जैसे आपने इससे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में देखा कि कैश जो था कॉमन था और दोनों का जो डेट था वो था 30 जून, सो उसको आप कंबाइन कर सकते हो. ओके, अभी मैं आपको, अभी जस्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी एक कंपाउंड एंट्री का आपको शो करता हूँ. देखिए, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंट्री. इसमें भी आप देख रहे होंगे कैश डेबिट हुआ है, डिस्काउंट डेबिट हुआ है टू कैलाश. इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंट्री क्योंकि इसमें दो अकाउंट डेबिट हुए हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इस पर स्टडी किया, एज वेल एज वी डिस्कस द डिफरेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. एंड इन टूडेज वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर एंड टू द होलसेलर, एज वेल एज वी डिस्कस्ड टू एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट टू द सेलर एंड टू द बायर. Thereafter we discuss the compound general entry and also we today pass a necessary general entry related to the cash discount and trade discount. So हम लोग एक next topic पे लेके चलते हैं. The next topic is opening entry. जैसे हम लोगों ने compound general entry में देखा कि third situation ऐसा होता था जहाँ पे दो या दो से अधिक अकाउंट जो होते थे डेबिट होते थे और दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट होते थे. सो ओपनिंग एंट्री, इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड जर्नल एंट्री. इन दिस एंट्री टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड एज वेल एज टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर क्रेडिटेड. सो वॉट इज ओपनिंग एंट्री, लेट्स डिस्कस इट. एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. The first entry in each generals will be to record the previous year closing balance of the all the assets and liabilities. As it is the first entry, it is called opening entry. Opening entry क्या होती है? जैसे 2020 जो है वो मार्च 31st को क्लोज होता है according to the Income Tax Act and according to the Indian Companies Act. तो 31st मार्च को जितने भी कंपनी एंड फर्म्स के assets एंड liabilities होती हैं उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 2020 टू द 31 मार्च 2021 के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. यानी एक जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसका जितने भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं उसे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे हम लोग ओपनिंग एंट्री पास करते हैं. यानी एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी ब्रॉट फॉरवर्ड the balance of assets and liability to the next financial year which is called opening entry. So as it is the first entry, so it is called the opening entry. In this entry the accounts of all the assets debited, because assets always shows the debit balance, and the accounts of the liabilities and capital are credited because they always shows the credit balance. So ye aap clear kar lijiye ki jab bhi hum opening entry pass karte hain sari assets ko debit karte hain और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. इफ़ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज़ नॉट गिवन
So it will be find out by the deducting the total of liability from the total of assets. अगर question में ये given नहीं होता कि capital की value क्या होगी, तो हम उसको कैसे find out करते हैं? सारी assets में से सारी capitals को सारी liabilities को minus कर देते हैं, जो value आती है उसको हम लोग. पहली बात clear हो गई. If in the question capital's value is not given, so in this situation we followed the following formula, that is total assets minus total liabilities. Second part, on the contrary, if the total of liabilities exceed the total of assets, so the difference will be treated as the amount of goodwill. ये बात याद रखिएगा, अगर हमारी assets की value कम हो और liabilities की value ज़्यादा हो, so इस situation में क्या करेंगे सर? इस situation में हम debit को consider करेंगे as a goodwill. यानी goodwill जो difference आएगा, जैसे total assets 5 lakh है, liabilities 6 lakh आ रही है, so 1 lakh रुपए हम गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे और गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ओपनिंग एंट्री में. इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझने के लिए हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं. फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1st January 2003. एसेट्स कैश 8000, बैंक 20000, स्टॉक 54000, डेटर 47000, जिसमें अशोक हैं 12000, पवन 15000, विवेक 20000, मशीनरी 60000. सो सारी एसेट्स को हमें क्या करना है, डेबिट. लायबिलिटीज में देखते हैं, क्रेडिटर्स 20000, क्रेडिटर्स में चमन लाल इज 7000 एंड ओम पाल इज 13000, तो दोनों को मिला के देखिए 20000 आएगा. ओके, एंड कैपिटल इज 2 lakh. सो इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल निकालिए. कैसे कैपिटल निकालते हैं हम लोग सर? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. तो इस सिचुएशन में आपको ये कंपेयर करना होगा, कहीं लायबिलिटी की वैल्यू एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है? अगर ज़्यादा है तो गुडविल मानेंगे. तो हमें क्या सिखाया गया सर? सारी एसेट्स को डेबिट कर दो और सारी लायबिलिटीज एंड कैपिटल को क्रेडिट कर दो. अगर तब भी लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा आती है, एसेट्स की वैल्यू कम आती हो, तो उसको गुडविल मानेंगे. सिंपल सा फंडा है. अगर कैपिटल नहीं दिया होता, दिया है इस क्वेश्चन में, इफ़ एनी सिचुएशन कैपिटल की अमाउंट नहीं दी होती, तो सो सिंपल हम क्या करते, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते. सो यू कैन सी द सॉल्यूशन. कैश, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. डेट कैश डेबिट 8000, बैंक डेबिट 20000, स्टॉक डेबिट 54000, अशोक डेबिट 12000, पवन डेबिट 15000, विवेक 20000, मशीनरी 60000, इतना गिवन है. एंड देयर आफ्टर वी क्रिएटेड द लायबिलिटीज एंड एज वेल एज कैपिटल. टू चमनलाल 7000, ओम पाल 30000, कैपिटल 2 lakh. सो जब हम टोटल किए तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ रही थी 2,20,000, वेयर इज एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 1,89,000. एसेट्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ रहा है 1,89,000. सो इन दिस सिचुएशन यू फाइंड दैट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल की वैल्यू जो है वो एसेट्स की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है. सो इन दिस सिचुएशन यू नो जो डेबिट में कम आएगा उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे? गुडविल की तरह. सो द गुडविल अकाउंट डेबिटेड बाय 31,000 बिकॉज द टोटल ऑफ एसेट्स इज 1,89,000, वेयर इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी इज 2,20,000. सो द डिफरेंस अमाउंट ऑफ गुडविल इज 31,000. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ओपनिंग एंट्री में हम लोग करते क्या है, आपको देख रहे हैं, इट इज़ द बिगेस्ट, इट इज़ वेरी ईजिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जनरेटर. इसलिए मैंने इसको आज की क्लास में आपको समझा दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री इज पास्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर. इन दिस एंट्री वी टेक एंड कैरी फॉरवर्ड ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इन दिस एंट्री ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल द कैपिटल्स आर क्रेडिटेड, ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. इफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट इज एक्सीड फ्रॉम द एसेट्स अकाउंट, assets amount, so the difference will be taken as a goodwill and goodwill account is debited. Okay, ye clear ekdam situation. Aur aap isme dekh rahe hain, in this entry more than two or two accounts are debited and more than two or two accounts are credited. So it's a very famous example of compound inventory. Okay, so aaj hum logon ne kai term pe discuss kar liya hai, kai sare टॉपिक्स पर डिस्कस किया है, और ये सारे टॉपिक्स आपके जनरल एंट्रीज में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. इसलिए मैं वन बाय वन आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं
उसको मैं वन बाई वन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग किया था फॉर्मेट से, देयर आफ्टर वी आर डिस्कसिंग द ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज जनरलाइजिंग, मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग एंड ट्रेडिशनल रूल ऑफ जनरलाइजिंग। देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, उसको कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, और टुडे वी विल डिस्कस द ओपनिंग एंट्री। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग करके जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एडजस्टमेंट, उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जर्नल्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट गिवन होते हैं, आप उस एंट्रीज को ईजिली पास कर लेते हैं। बट आज के लिए इतना ही। बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और सजेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन द ऑनलाइन क्लासेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।